सबसे पहले आज हम टॉपिक करेंगे उसका बेस मैं बता दूं। हमारे पास इस चैप्टर में दो टाइप के क्वेश्चन हैं, एक वो जिसके अंदर हमें खर्चों को डिवाइड करना था, दूसरा ये जो आज हम कर रहे हैं जिसमें निकालेंगे मशीनरी रेट। क्या चीज़ है मशीनरी रेट, क्या निकालने वाले हम? आप देखोगे तो कई बार आपको नज़र आएगा कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट करनी होती है, और वो जो टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट हम करते हैं उसके अंदर जो वेंडर हैं, जो सेलर है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो अपने सभी खर्चों को इनडायरेक्टली हमसे कवर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि से तुम साइबर कैफे में इंटरनेट सर्फिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो थोड़ा सा इंटरनेट चला लें। अच्छा, इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है वहाँ पे? उसको कुछ पर आर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है, ऐसे करना पड़ता है ना, कुछ घंटे के हिसाब से वो पेमेंट तुमसे डिमांड करता है। अच्छा, वो जो तुम इसे पेमेंट डिमांड करता है उसके अंदर वो तुमसे अलग से क्या रेंट के पैसे अलग मांगता है कि भैया रेंट के लिए अलग से देना? अच्छा, जो मेरी बिजली का बिल है वो अलग से मांगता है? वो तुमसे अपने स्टाफ की सैलरी के पैसे अलग से मांगता है? प्रॉफिट तुमसे अलग मांगता है? इंटरनेट के जो चार्जेस हैं वो अलग से मांगता है? नहीं, वो कहता है जी आप मुझे एक रेट हमने तय कर लिया से 30 रुपीज़ पर आवर, आप 1 घंटे के 30 रुपये मुझे दे देना, मैं आपको सर्फिंग करने देता हूँ। ये जो 30 रुपये उसने निकाले, लेकिन वो किस बेस पे निकाले? उसने सभी अपने एक्सपेंसेस, जितने भी उसके एक्सपेंसेस, उन सबको थोड़ा थोड़ा ऐड करके आपसे ले लिया है। वो आपको बताएगा नहीं इसकी डिटेल, लेकिन उसके पास होगी इसकी कैलकुलेशन कि उसका पर आर कितना इंटरनेट चार्जेस है, कितना रेंट है, कितना पावर है, कितना सैलरी, और उसको कमाना कितना है। अगर वो कैलकुलेशन ये ना करे तो उसको 30 रुपये में नुकसान भी तो हो सकता है। आपसे वो 30 रुपये ले रहा है, पर आर के अंदर चार्ज कर रहा है, पीछे से उसे मंथली पेमेंट करनी पड़ रही होगी। ऑब्वियसली वो पर मंथ पर आर के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहा, लेकिन उसने वो मंथली पेमेंट को पर आर में कन्वर्ट कर रखा है। जो भी खर्चा उसका 1 महीने का था उसको उसने 1 घंटे में बदला हुआ है, जिससे कि वो कस्टमर को ऑन द स्पॉट बता सके भैया आप मुझे इतनी पेमेंट कर देना, आप सर्फिंग कर सकते हो। और बहुत सारी जगह पे रेट काम में आते हैं। आप अगर बिल्डर के पास जाओ, उससे बोलो जी मुझे मकान बनाना है, तो आपको अपनी बिल्डिंग के मटेरियल के अकॉर्डिंग और जिस तरह का कंस्ट्रक्शन का होगा फुट में रेट बताते हैं। वो कहता है जी 1500 रुपये फुट के अंदर आपका जो मकान जो है वो बना के दे देंगे। अब 1500 रुपये फुट के अंदर बना के देंगे तो कोई, मैं अगर 2 फुट बनवाना है तो बना देगा क्या वो? मैं कहूँगा भाई मुझे तो बस 2 फुट ही बनवाना है, ज़्यादा नहीं बनवाना, सिर्फ थोड़ा सा आगे छज्जा बढ़वाना है 2 फुट का। नहीं, उसका रेट जो है वो 2 फुट में देगा, वो काम ज़्यादा करेगा, लेकिन उसने आसान बनाने के लिए काम को फुट के अंदर रेट निकाला हुआ है। मार्बल वाले के पास जाओ, बोलो कि हमारे घर में फ्लोरिंग करानी है, वो कह जी फुट के अंदर रेट हमने निकाला हुआ है, ये वाला मार्बल इतने रुपये फुट फिनिशिंग के साथ घिसाई विसाई सब करके देंगे। तो मैं कहूँ ठीक है जी, हमारी घर के सामने एक थड़ी टूट गई है, 2 फुट की थड़ी है, उसके ऊपर ये सारा कुछ करके दे, 200 रुपये फुट बताया ना, 400 रुपये दे देंगे, उसमें वो मशीन भी लेकर आएगा, सब कुछ करेगा, नहीं आएगा वो 200 रुपये का फुट का रेट है, थोड़ा सा काम बड़ा होना चाहिए। लेकिन उसने काम आसान करने के लिए ऑन द स्पॉट पता चल जाए कि काम कितने में होगा, उसने एक फुट का रेट निकाला हुआ है। सेम वैसे ही हम करने वाले हैं। हम कौन सा रेट निकालने वाले हैं? मशीन आ रेट। हमारी जब मशीन चलती है तो उस मशीन को चलाने में हमारा 1 घंटे में कितना खर्चा होता है, इस रेट को निकालना मशीन आ रेट कहलाता है। इससे में क्या एडवांटेज है? इससे एडवांटेज यह है कल को कोई काम हमारे पास आया तो हम बस ये एस्टिमेट लगाएंगे कि ये काम कितने घंटे में पूरा हो जाएगा। से हमने मशीन आ रेट निकाला है कि हमारा मशीन आ रेट 50 रुपीज है, मतलब 1 घंटे मशीन चलेगी, रेंट, बिजली, सैलरी सब कुछ जोड़ लिया हमने, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन सब कुछ जोड़ लिया, और हमारे को 1 घंटे मशीन चलाने का खर्चा कितना पड़ रहा है? 50 रुपये हमारी कॉस्ट आ रही है। हमें एक असाइनमेंट मिलता है, हमें एक काम मिलता है, हमें जब काम मिलेगा तो हमें उसकी कॉस्टिंग करने के लिए ऑन द स्पॉट ग्राहक को एस्टिमेट तो बताओगे ना भैया काम कितने में हो जाएगा। तो हमने उसकी कॉस्टिंग निकाल रखी है 50 रुपये 1 घंटा। हमने पूछा काम, हमने देखा काम, हमें लगा ये काम तो जी 10 घंटे में पूरा हो सकता है, तो 50 रुपये के हिसाब से 10 घंटे के अंदर टोटल कॉस्ट कितनी आने वाली है? 500 रुपये तुम्हारी कॉस्ट आने वाली है। आप 700 800 रुपये जो अपना मार्जिन हो वो कमा के उसको कोट कर सकते हैं, भैया ऐसा है कि तुम 800 रुपये निकालो तुम्हारा काम कर देंगे। आप सारी कैलकुलेशन दोबारा दोबारा करने नहीं बैठोगे, आपने अपना रेट फिक्स निकाल रखा है, उस आइडिया से आप कस्टमर को अपने चार्जेस बता सकते हो बिना लॉन्ग कैलकुलेशंस के। सबको समझ बात ये? तो ये जो मशीन रेट निकालने वाले बहुत ही यूजफुल रेट है, जहां पर भी आपके पास खर्चे होंगे बहुत सारे, आप लेकिन उन सभी खर्चों पे ध्यान देकर ये रेट निकालेंगे। आपका जो रेट है वो पर आर में होगा, लेकिन खर्चे आपने पूरे साल में या पूरे महीने में जो किया उन सबका ध्यान आपको रखना है।
अच्छा, ये जितने भी एक्सपेंस आप करोगे वो दो टाइप के आपके एक्सपेंस हो सकते हैं, दो टाइप के एक्सपेंस हो सकते हैं। नंबर वन फिक्स्ड, वो खर्चे जो काम बढ़ने या घटने पर बढ़ते घटते नहीं है, लाइक रेंट। आपकी दुकान का किराया, काम ज्यादा आता है, ग्राहक जिस दिन ज्यादा आते हैं उस दिन ज्यादा किराया देना पड़ता है, जिस दिन ग्राहक नहीं आते या कम आते हैं उस दिन किराया कम हो जाता है कि दुकान का क्या रहता है, वो फिक्स। ग्राहक आपके कम आए, ग्राहक आपके ज्यादा आए, चार दिन दुकान बंद भी रखोगे तब भी किराया उतना ही रहेगा। और दिवाली का सीजन आ गया, आपने 4 घंटे ज्यादा भी दुकान खोल दी, ग्राहक ज्यादा भी आ गए, तब भी किराया बढ़ाया नहीं जाएगा। तो जो खर्चे आपकी सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपके प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, उनको बोलते हैं हम फिक्स चार्जेस। जब हम खर्चों का कैलकुलेशन शुरू करेंगे तो अपने खर्चों को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, सबसे पहले स्टैंडिंग या फिर फिक्स चार्जेस। स्टैंडिंग या फिक्स चार्जेस, वो खर्चे जो स्टैंड करेंगे, जिनमें किसी किस्म का बदलाव नहीं होगा। और दूसरे खर्चे वो हैं जो काम के हिसाब से बढ़ेंगे घटेंगे, जिन्हें हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस होंगे और कौन से होंगे, वेरिएबल चार्जेस। फिक्स चार्जेस कौन से, जो काम के हिसाब से बढ़ेंगे घटेंगे नहीं, और वेरिएबल चार्जेस कौन से हैं, जो काम अगर बढ़ेगा तो ज्यादा होंगे, काम घटेगा तो कम होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल, दुकान का तो रेंट फिक्स है लेकिन बिजली का बिल तो काम, ज्यादा घंटे दुकान खोलोगे ज्यादा बिजली देर तक चलानी पड़ेगी, कम घंटे दुकान खोलोगे कम देर बिजली चलेगी, तो आपका बिजली का बिल जो है काम के हिसाब से बढ़ेगा घटेगा, नहीं बढ़ेगा घटेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कहता हूँ कि आपकी एक से गाड़ी है तो पेट्रोल का खर्चा, ज्यादा गाड़ी चलेगी ज्यादा पेट्रोल लगेगा, कम गाड़ी चलेगी कम पेट्रोल लगेगा, सबको समझ है। डीजल का खर्चा जो जनरेटर में डलता है, आप ज़्यादा देर तक डीजल जनरेटर चलाओगे ज़्यादा पेट्रोल डीजल लगेगा, कम देर चलाओगे तो कम, समझ बात ये। तो कुछ खर्चे हमारे ऐसे होते हैं जो फिक्स रहते हैं और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो काम के हिसाब से बढ़ते घटते रहते हैं। अच्छा, कौन से एक्सपेंसेस को हम वेरिएबल में रखते हैं कुछ खर्चों के नाम, वैसे पावर अगर आपके पास आएगा तो आप उसे हमेशा किस में रखेंगे, वेरिएबल में रखेंगे। फ्यूल अगर आएगा तो उसे किस में रखेंगे, वेरिएबल में रखेंगे। एक डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फिक्स माने कि डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपने फिक्स परसेंटेज ही रखी है, लेकिन कॉस्टिंग में डेप्रिसिएशन को वेरिएबल की तरह मोस्टली ट्रीट करते हैं। क्योंकि रियलिटी में अगर आप देखें तो जब आप ज़्यादा काम लेते हैं मशीनों से तो वो जल्दी ख़राब होती हैं, जल्दी वियर एंड टीयर होता है, और अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मशीनों की लाइफ ज़्यादा होती है। मैं कहता हूँ से आपको कोई कार खरीदनी है और दो लोग कार बेच रहे हैं, एक 2000 और 12 मॉडल है, दूसरा 2011 मॉडल है, कौन सा मॉडल खरीदना चाहिए, रेट सेम है 2012। अच्छा, मैं बताता हूँ 2012 कौन यूज़ कर रहा है, इवन इसको 2010 कर दिया, दो साल और पुराना कर दिया। जो 2012 मॉडल है वो एक ट्रैवल एजेंट के पास थी जो उसे टैक्सी की तरह इस्तेमाल करता था, तो ये एक ट्रैवल एजेंट के पास है, एज ए टैक्सी चल रही थी, सिर्फ 4 साल, आज की डेट से गिने तो मोटी मोटे 4 साल पुरानी है। ये जो है ये एक बैंक मैनेजर के पास थी और ये 6 साल पुरानी गाड़ी है। मेरा सवाल ये है, दोनों अगर सेम रेट पे गाड़ी बेच रहे हैं किसकी गाड़ी खरीदना पसंद करोगे, क्यों भाई, ये तो नई वाली गाड़ी है तो पुरानी वाली गाड़ी है। आपको कहोगे सर मैनेजर ने कितनी गाड़ी चलाई होगी, वो तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, संडे को छुट्टी होगी तब घर वालों के साथ घूमने निकलता होगा, इसकी गाड़ी ज्यादा फाइन कंडीशन में होगी, 2 साल भले ही एक्स्ट्रा पुरानी है लेकिन इसके किलोमीटर रन कम होंगे काफ़ी, और कम किलोमीटर चली होगी, टायर इंजन सब बढ़िया फर्स्ट क्लास होगा। ये तो ट्रैवल एजेंट के पास थी, वो तो हर गमे इसको घुमाता ही रहा, इसने तो 1 लाख किलोमीटर 2 लाख किलोमीटर भी क्या पता चला लियो, इसने 20-25 हज़ार किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा चलाई होगी, इसकी गाड़ी खरीदना ज़्यादा फायदेमंद है, भले 2 साल एक्स्ट्रा पुरानी है लेकिन इसकी गाड़ी महंगी भी मिले तो खरीद लेंगे, इसकी गाड़ी सस्ती मिले तो नहीं खरीदेंगे, बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, डेप्रिसिएशन आपके यूज के ऊपर डिपेंडेंट है, आप उसे कैसे यूज करते हैं इसके ऊपर आपके डेप्रिसिएशन की फिगर जो है वो निकल के आती है। तो हम डेप्रिसिएशन को यहां पे क्या अज्यूम करने वाले हैं, डेप्रिसिएशन को हम वेरिएबल के अंदर लेने वाले हैं, और उसी हिसाब से रिपेयर एंड मेंटेनेंस नहीं, जो ये वाली गाड़ी है इसके रिपेयर पे ज्यादा खर्चा होगा और इसकी रिपेयर पे कम होगा, कम यूज तो कम रिपेयर, ज्यादा यूज तो ज्यादा, तो हमारा पावर यहाँ पे आएगा, फ्यूल यहाँ पे आएगा, डेप्रिसिएशन यहाँ पे आएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहाँ पे आएगा,
और कोई कंज्यूमेबल वगैरह चीज़ें वो भी यहाँ पे आ सकती है, कंज्यूमेबल है ग्रीस वगैरह ऑयल वगैरह जो होता है वो सब यहाँ पे आ सकते हैं। फिक्स में क्या आएगा, फिक्स में आपका आएगा सैलरी आपका स्टाफ की जो होती है वो आएगी, कम काम हो ज़्यादा काम हो, आपने लड़का रखा है दुकान पे, अब सेल आपकी कम हो या ज़्यादा हो सैलरी तो उसकी फिक्स रहेगी ना, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा शॉप का रेंट यहाँ पे आ जाएगा, इंश्योरेंस यहाँ पे आ जाएगा, सुपरवाइजर की सैलरी यहाँ पे आ जाएगी, जो खर्चे आपको लगता है कि बदलेंगे नहीं वो स्टैंडिंग है, और जो खर्चे आपको लगता है काम के हिसाब से बढ़ेंगे या घटेंगे वो क्या है हमारे वेरिएबल। अच्छा अब इसके अंदर एक चीज़ और हम ऑब्जर्व करेंगे, स्टैंडिंग चार्जेस क्योंकि वो बदलते नहीं है उनका भी एक कंसोलिडेट रेट निकालेंगे, सभी स्टैंडिंग चार्जेस को एक में एक साथ जोड़ के एक कंसोलिडेट निकालेंगे पर आर उनका खर्चा क्या पड़ा। वेरिएबल जितने भी एक्सपेंस हैं उनको हम इंडिविजुअली देखेंगे कि एक घंटे की बिजली कितनी लगी, एक घंटे की रिपेयर कितनी हुई, एक घंटे में फ्यूल कितना लगा, एक घंटे के अंदर डेप्रिसिएशन कितना लगा। कैसे करते हैं उसको अब समझाने के लिए मैं इलस्ट्रेशन यूज करने वाला हूँ, पेज नंबर 217 पे इलस्ट्रेशन नंबर 5.8, इलस्ट्रेशन नंबर 5.8, 217 पेज है, मिल गया सबको। इसमें लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट मशीन आर रेट, कह रहे हैं हमें कुछ जानकारी दी गई है और वो जो जानकारी दी है उस जानकारी का इस्तेमाल करके आपको मशीन आर रेट जो है वो निकालना है। क्या है वो जानकारी, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मशीन बताई गई है 44,000। अच्छा कॉस्ट ऑफ मशीन से क्या हमें पता चल सकता है, उससे हमें डेप्रिसिएशन जो है वो पता चल सकता है, तो हम इस कॉस्ट ऑफ मशीन को यूज़ करने वाले हैं डेप्रिसिएशन निकालने में। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी है 44,000, स्क्रैप वैल्यू तो उस पर तो डेप्शन लगता नहीं, आपको पता है स्क्रैप वैल्यू पे डेप्शन नहीं लगता है। अच्छा फिर उसके बाद क्या लिखा है, रेंट ऑफ द वर्कशॉप पर एनम, हमारी जो वर्कशॉप है उसका रेंट जो है वो एक साल में कितना है, रेंट भी वेरिएबल है क्या, रेंट फिक्स है। अच्छा जब आप कोई भी फिक्स एक्सपेंस लेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम सभी फिक्स एक्सपेंस को एक साथ रेट में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए बहुत मस्ट है कि सभी फिक्स एक्सपेंस एक ही पीरियड के होने चाहिए। अगर आपने ये साल का ले लिया तो सभी एक्सपेंस साल के ही होने चाहिए, क्योंकि तभी उनका कंसोलिडेट रेट निकल सकता है, एक खर्चा एक साल का, दूसरा एक महीने का, तीसरा छह महीने का, तो इनको जोड़ेंगे तो एक रेट कैसे निकलेगा, या तो सारे खर्चे साल के हो, या तो सारे खर्चे छह महीने के हो, या तो सारे खर्चे एक महीने के हो, तभी तो एक साथ जुड़ सकते हैं, दो डिफरेंट टाइम एक साथ नहीं जुड़ सकते। तो यहाँ पे चेक कर लेना बाकी खर्चे किस फॉर्मेट में है, उसी फॉर्मेट में हम भी अपने आप को मेंटेन कर लेते हैं। चलो इसमें कुछ खर्चे इसमें मंथली भी हैं, कुछ खर्चे इसके अंदर ईयरली भी हैं, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ कि भाई मैंने सारे खर्चे पर ईयर ही लिखने हैं। अब कोई भी एक्सपेंस अगर मंथ में भी आएगा ना तो इस टेबल के अंदर वो ईयरली फॉर्मेट में कन्वर्ट करके लिखा पड़ेगा। तो ये मेरा रेंट आ गया कितना, 25,000 रुपया। अभी मैंने फाइनल नहीं किया इसे क्योंकि हो सकता है इसके अंदर एक से ज्यादा मशीनों का है, दो चीजों का ख्याल रखना है, जितने भी खर्चे नंबर वन पर ईयर होने चाहिए अब सारे खर्चे, और सारे खर्चे एक ही मशीन के होने चाहिए। कभी कभी होता है खर्चा चार मशीनों के लिए, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे चार मशीनों का खर्चा एक का बताओ, एक से निकल जाएगा रेट, चार का इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ पर ईयर और वन मशीन, हर खर्चे पे ये रूल लगाया जाएगा कि वो एक साल का होना चाहिए और एक मशीन का। अब ये रेंट पूरी वर्कशॉप का है, पता नहीं इसमें दो मशीनें हैं कि चार मशीनें हैं कि छः मशीनें हैं, अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 10 मशीनें हैं तो 25,000 पूरा रेंट उसी का थोड़ी हो गया, सिर्फ 10वां हिस्सा हुआ उसका और 2,500। बात समझ में आ रही है, तो जितने भी एक्सपेंस स्टैंडिंग है वो ध्यान रखने हैं सभी एक टाइम के और एक जैसी मशीन के होने चाहिए, और एक जैसी मशीन में सबसे आसान है एक मशीन के निकाल लो फिर, ठीक है बात समझ में आ गई है। अच्छा अगला क्या है इसमें भी, जनरल लाइटिंग ऑफ द वर्कशॉप, ये तो लाइटिंग आ गई भाई, कितनी है लाइटिंग, 160 रुपये पर मंथ, ये नहीं चलेगी भाई पर मंथ, हम कहेंगे भैया तुम 12 से मल्टीप्लाई हो गए, तुम भी साल के बन गए। अगर मैं 160 को मल्टीप्लाई कर दूं 12 से तो फिगर आ रही है 1920, बाहर अभी नहीं लिखा मैंने क्योंकि पता नहीं कितनी कितनी मशीनों की है, मुझे वर्कशॉप की पता चल गई कि ये 1920 है, जो एक मशीन का खर्चा आएगा और एक साल का आएगा उसे सीधा मैं अमाउंट में डाल दूंगा, लेकिन अभी तक मैंने इसे अमाउंट में नहीं लिखा क्योंकि इसे चेंज करना पड़ सकता है। आगे क्या लिखा है भाई, पावर कंजम्पशन, पावर आ गई भाई, पावर तो वेरिएबल है, यहाँ पे ले आओ पावर को, कितना भी पावर का खर्चा 20 यूनिट कंज्यूम होंगी, चलो जी 20 यूनिट कंज्यूम होंगी, कितने रुपए की कितनी यूनिट मिलती है, 20 रुपए में 100 यूनिट मिलती है, रुपीस ऊपर और उसमें जो क्वांटिटी मिलती है नीचे, तो रेट पर यूनिट आ जाएगा, 20 रुपए में
100 यूनिट, तो 20 पैसे की पड़ गई एक यूनिट, और 20 पैसे की एक यूनिट और 20 यूनिट तुमने यूज़ करनी है, तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 4 रुपये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई। वेरिएबल एक्सपेंस अलग अलग होंगे, इसलिए आप उनको अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडिंग का एक रेट निकलेगा, वेरिएबल का सबका अलग अलग रेट। तो मेरे को पता चल गया 1 घंटे मशीन चली नहीं कि मेरा 4 रुपये का बिजली का खर्च हुआ नहीं, 20 यूनिट खा जाएगी हमारी मशीन 1 ही घंटे में। ठीक है, अगला क्या दिया हुआ इसमें? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस तो फिक्स होंगे, कितने बता रहे हैं वो? 4000, और आगे लिखा है एलोकेटेड टू द मशीन। साफ लिखा है इसने कि ये इस मशीन का खर्चा है, वर्कशॉप का खर्चा नहीं है। वर्कशॉप में तो 10 मशीनें भी हो सकती हैं। साफ लिखा है 1 साल का है और इस मशीन का खर्चा है। तो मैं कहूंगा भैया तुम एकदम फाइनल हो, तुम्हारे में कुछ चेंज होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि तुम 1 साल के भी हो और एक मशीन के भी हो। बाकी के पर उसने अभी तक ये नहीं बोला कि वो एक मशीन के वर्कशॉप है। ये पर एनम था, इसको चेंज नहीं किया, ये पर मंथ था, इसको एनुअल कन्वर्ट करके रखा है, लेकिन अभी बाहर नहीं लिखा है। अगला क्या भाई? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर डिपेंडेंट है, रिपेयर कितनी होने वाली है? 75% ऑफ डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन अभी तक निकला नहीं है, तो इसका मतलब ये फिगर भी अभी नहीं निकल सकती। एक बार ये पता चल जाए इसका 75% ये होगा। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर? सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर को भी ऊपर ले जाइए भाई, 3000 पर मंथ तो चलेगा नहीं, लेकिन पहले साल का तो बनाना ही पड़ेगा। कितना हो गया ये? 36,000। अभी भी बाहर नहीं लिखा, क्योंकि सुपरवाइजर पता नहीं कितनी मशीनों को देख रेख कर रहा है। जितनी मशीनों को देख रेख कर रहा है उसके बाद उसे एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही एक्सपेंस अभी तक आया है जो 1 मशीन का है, बाकी सभी एक्सपेंस मल्टीपल के होने की संभावना है। लास्ट में अगर एक के निकले इनको भी बाहर डाल देंगे, बट हो सकता है एक से ज्यादा के ऊपर हो रहा हो खर्चा। आगे इसके बाद इसमें लिखा हुआ है एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर, 1 साल में कितने घंटे काम होगा, ये हमारे को डिवाइड करने के लिए, जब टोटल खर्चा हो जाएगा ना उसको हम आर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल टाइम देखेंगे, खर्चा कितने घंटे मशीन चलाने पे हो रहा है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? अलग से एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वो है टाइम, वर्किंग टाइम। सबसे पहले लिखना पड़ेगा हमारे पास टोटल टाइम कितना है। टोटल टाइम कितना बता रही है? 50 वीक्स, और कितने आवर हर घंटे काम होते हैं भाई? यहां पे लिखा हुआ है 40 आवर्स ईच, हर एक में 40 घंटे भी काम होता है, तो ये टोटल कितना हो गया? 2000 आवर्स, 2000 घंटे हमारा काम जो है वो हो सकता है। मतलब ये जो खर्चा हमने किया वो 2000 घंटे का हमारे को आउटपुट दे सकते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 40, इस साल में 50 हफ्ते हम काम करेंगे और हर हफ्ते में 40 घंटे भी होंगे, तो इसका मतलब इस साल जो हम काम कर सकते हैं वो 2000 आवर्स काम कर सकते हैं। आगे इसमें कुछ लिखा है और भी लिखा है, सेटिंग अप टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम 200 आवर। इस मशीन को सेटअप करने में हमें 200 घंटे लग जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन उस समय हो जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, आपके टोटल टाइम में अगर किसी किस्म का टाइम का लॉस होता है तो टाइम का लॉस प्रोडक्टिव नहीं होता। जितने भी आपके अनप्रोडक्टिव टाइम लॉस होते हैं उनको घटा देना। 2 वजह से आपका टाइम लॉस हो सकता है। नंबर 1, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नंबर 2, सेटिंग अप। हमें निकालना होता है वर्किंग टाइम, जो कि क्या होता है? प्रोडक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, अभी मैं डिस्कस करता हूं। इसमें बताएंगे कोई नॉन प्रोडक्टिव टाइम बता रहे हैं, प्रोडक्टिव बता रहे हो 200 घंटे? प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव बता रहे हैं, मतलब इसमें काम चलता रहेगा, ये नॉन प्रोडक्टिव होने पर ही माइनस करने हैं। तो आपका टोटल टाइम जो फाइनल हो गया प्रोडक्टिव टाइम, वो कितना फाइनल हो गया? 2000 आवर्स जो है वो फाइनल हो गया। अभी इसको डिस्कस करूंगा मैं। आगे इसने लिखा हुआ है इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन इज 10 ईयर। मशीन की लाइफ 10 साल है। अभी डेप्शन अभी तक निकला नहीं है, निकालने के लिए हमें उसका लाइफ का पता होना चाहिए था। हमें पता चल गया 44,000 की मशीन, 4,000 का स्क्रैप, तो 40,000 का अडॉप्शन, और इसकी लाइफ कितनी है? 10 इयर्स, 10 साल इसकी लाइफ है। तो 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा? 1 साल का डेप्रिसिएशन मुझे पता चल चुका है, मेरा 1 साल का अडॉप्शन कितना हो गया? 4,000। लेकिन ध्यान रखना मुझे बाहर 1 घंटे का लिखना है, ये जितने भी खर्चे होंगे वो रुपीज आर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। आगे क्या लिखा है? मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 एरिया ऑफ द वर्कशॉप। लो जी आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मशीन के पास 1/4 एरिया है। तो भैया पूरा रेंट क्यों डाल दोगे तुम?
24-25 हज़ार का जो रेंट है वो तो पूरी वर्कशॉप के, और मशीन के पास कितना एरिया, ओनली 1/4। हम कहेंगे भैया रेंट का 1/4 सिर्फ 6,250 इस मशीन पे आएगा। और लाइटिंग भी तो एरिया पे डिपेंडेंट होती है, जितना बड़ा एरिया उतने हिसाब से लाइटिंग। तो पूरा बिजली का बिल कैसे ले लोगे आप, उसका 1/4 लोगे, और 1/4 करने पे जो फिगर हमारे पास आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 480। बाय डिफॉल्ट सुपरवाइजर भी उसी टाइम से उसी हिसाब से टाइम दे रहा होगा, लेकिन सुपरवाइजर के लिए देखो अलग से लिखा हुआ है, सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द मशीन। सुपरवाइजर का 1/3 समय इस मशीन पे जाने वाला था। वो कहेंगे भैया पूरा 36,000 नहीं लेंगे, 1/3 तुम्हारा 12,000 होगा। सबको समझ में आया, सबके लिए बेस अलग है हमारा, लेकिन बाहर वाला कॉलम कहता है कि एक मशीन का और एक साल का खर्चा होगा। अंदर तुम जो मर्जी करो, बाहर के कॉलम में वही आएगा जो एक मशीन का और एक साल का एक्सपेंस है। ठीक है, अच्छा इन सभी खर्चों को अगर मैं ऐड कर लूँ यहाँ तक, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा इसके अंदर, 6,250 है, फिर 480 है, उसके बाद 16,000 और भी है। ये फिगर आ रही है मेरे पास यहाँ पे, फाइनल हो गई 22,730। अच्छा इतना खर्चा करके तुमने कितने घंटे काम किया, काम आपने इतने घंटे किया। एक चीज ध्यान रखना, अगर आप कभी रेट निकाल रहे हो अपना, तो टोटल टाइम जिंदगी में मत ले लेना। अगर तुमने टोटल टाइम ले लिया तो 100% तुम गलत जवाब पे पहुंचोगे। एक छोटे से एग्जांपल से बता देता हूँ, मैं कहता हूँ किसी ने साइबर कैफे खोला और महीने का खर्चा, अभी मैं आसान बात करता हूँ, 50,000 पे फिक्स है। महीने में कितना खर्चा होगा, 50,000 उसका एक्सपेंस होना है, सैलरी, रेंट, इंटरनेट कनेक्शन, डेप्शन वेप्शन सब जोड़ लिया, और टोटल महीने का खर्चा है 50,000। अच्छा 50,000 वो कस्टमर से 20-30 रुपये के जो पर आर रेट है उससे कवर करेगा। अब उसने अपनी कैलकुलेशन की, मैं कितने घंटे मेरे को अवेलेबल है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो उसने कैलकुलेशन की, मेरे पास 24 घंटे का दिन है एक, और मैंने अपने जो ये साइबर कैफे उसमें 10 पीसी लगाए, तो एक टाइम पे 10 बंदों को मैं ड्यूटी पे एक टाइम पे 10 लोगों से जो है वो पैसा कमा सकता हूं, और 30 दिन भी होंगे तो आपके पास पीसी जो है वो आर कितने निकलेंगे, 24 घंटे 30 दिन, पहले तो पहले ऐसे लिख देता हूं, 24 घंटे और 30 डेज, तो 24 घंटे और 30 डेज आपके पास हो गए 720 टोटल आर। एक पीसी अगर चाहे तो 720 घंटे चल सकता है एक पीसी, और आपने उसमें 10 पीसी लगा रखे हैं, तो आप 10 लोगों को ये दे सकते हैं, तो इसका मतलब आपके 10 से मल्टीप्लाई टोटल 7,200 घंटे के बराबर काम कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते, पॉसिबल है ना इतना, 24 घंटे अपना साइबर कैफे खोल के रखो तो 24 घंटे 30 दिन होंगे महीने में, 720 घंटे तो वैसे हो गए, एक पीसी 720 घंटे चल सकता है। और आपने अपने ऑफिस में कितने कंप्यूटर लगा रखे हैं, 10 कंप्यूटर, तो आप कस्टमर तो 7,200 घंटे के चार्जेस ले सकते हैं। तो आपने कहा मेरा खर्चा है 50,000, 7,200 घंटे से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 50,000 डिवाइड बाय 7,200, तो मेरा तो 7 रुपये पर आर खर्चा पड़ेगा सिर्फ। कस्टमर को मैं 10 रुपये पर आर के अंदर दूंगा, सारी मार्केट को फेल कर दूंगा, 10 रुपये पर आर के हिसाब से मैं कस्टमर को चार्ज करने के लिए दे दूंगा। अच्छा मंथ एंड के बाद रिजल्ट, जब मंथ एंड हो जाएगा कमाई हो रही है 3 रुपये की, ऐसा वो सोच के चल रहा है। पहली बात, तुम्हारी दुकान भले तुम 24 घंटे खोल के भी बैठ जाओ, ग्राहक जो है वो सारे टाइम आएगा नहीं। पता चलता है कि 8 बजे सुबह एक कोई पर्सन आंखें मलता हुआ आया, वो कहा जी कंप्यूटर खुला है क्या, हम तो इंतजार कर रहे थे सारी रात जाग के कि कोई आए, आ गया वो, खुला है जी खुला है, और 1 घंटे करके वो चला भी गया, बाकी तो आपका अनप्रोडक्टिव टाइम। ऐसे कभी कोई आया कभी आया, हाँ दोपहर को 10 बजे से लेकर मैं कहता हूँ से 2 बजे तक आपका फुल रहा और बीच में कुछ टाइम फुल रहा, आपके पास जो 7,200 घंटे थे उसमें से सिर्फ 2,000 घंटे ही आपको कस्टमर मिला, बाकी टाइम तो आपने दुकान भले ही खोल के रखी लेकिन ग्राहक आपकी दुकान में घुसा ही नहीं, कितने घंटे घुसा सिर्फ, वो भी सारे मिला के कभी कम कभी ज्यादा 2,000 घंटे का ही आप काम कर पाए। आपने तो पूरा ले लिया ना, पूरा 24 घंटे जैसे सारा काम चलता रहेगा, तो 7,200 में से आपने 24 घंटे दुकान को खोला और आपको मिले सिर्फ 2,000 आर में कस्टमर। अच्छा 10 रुपये के हिसाब से आपने रेट रखा था तो कितना पैसा जेब में आएगा सिर्फ, और गए कितने,
अब तुम अपना सर खुजाओ कि ये गड़बड़ कहाँ पे हो गई, हमारे को 20,000 मिले, 50,000 खर्चा, घाटा कैसे हो गया? हमने तो सोचा था कमाई होगी, घाटा कैसे हो गया? कहाँ हो गई भी गलती? आपने टोटल टाइम को ही यूज कर लिया अपनी कैलकुलेशन करने के लिए। आपको वो टाइम यूज करना था जिस टाइम आप कमा सकते थे, सिर्फ वो टाइम जिस समय आप अपने कस्टमर को सर्विस दे सकते हो, वही टाइम अगर यूज करोगे तो आपको सही रेट पता चलेगा। तो आपने 2,000 घंटे ही कस्टमर को सर्विस देनी थी, होंगे दिन में 24 घंटे, होगा हमारा ऑफिस खुला हर टाइम, लेकिन हमने काम जो किया, जो ग्राहक को सर्विस दी, ओनली 2,000 आवर सर्विस दी। तो हमें अपना मशीन आवर रेट निकालने के लिए, कंप्यूटर की रेट निकालने के लिए क्या करना चाहिए था? 50,000 को 2,000 से डिवाइड करना था, तब पता चलता कि हमारी पर आवर कॉस्टिंग 25 रुपये है। सारी दुनिया पागल नहीं है 30 रुपये घंटे के अंदर सर्फिंग करा रही है और हम 10 रुपये में करा पाएंगे और कमा लेंगे। हमारी कॉस्टिंग 25 रुपीज़ पर आवर है, 1 घंटे की कॉस्टिंग 25 रुपये, तो 30 रुपये रखना बिल्कुल सही होगा, तब आप कमा पाओगे, तब आप कमा पाओगे। सबको सही बात ये। तो जिंदगी में कभी टोटल टाइम मत लेना, उसमें से वो सारा टाइम निकाल देना जो आपके लिए अनप्रोडक्टिव रहा। और यहां पे हमारे 5,200 बहुत बड़ा टाइम मैंने, क्योंकि रात के टाइम कौन आएगा, अनप्रोडक्टिव टाइम, उसको मैंने बाहर निकाल दिया। और बाकी दिन के टाइम में भी जब कस्टमर कम हो जाएगा, वो भी मेरा अनप्रोडक्टिव टाइम है, उसको भी मैंने बाहर निकाल दिया। जो टाइम सर्विस देने के लिए अवेलेबल है, जिस समय आप पेमेंट ले सकते हैं टाइम की, सिर्फ वही वाला पार्ट टाइम गिनती में आएगा, बाकी सारा टाइम आपका वेस्ट है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग टाइम प्रोडक्टिव टाइम निकाला। कैसे? टोटल टाइम उन्होंने दिया जी हमारे 50 हफ्ते हैं, वैसे साल में होते हैं 52 हफ्ते, छुट्टियां भी तो थी, संडे सैटरडे होली दिवाली, उसके लिए हमने 14 दिन वैसे ही कम कर दी। तो हमारे को 50 हफ्ते मिलेंगे काम करने के लिए, और हफ्ते में कितने घंटे काम होगा? तो ये तो आपने सारे घंटे निकाल लिए 2,000। वैसे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमने जो नाइट आवर्स हैं और जिस टाइम हमारा ऑफिस बंद था वो पहले निकाल के बाहर रखा हुआ है। एक हफ्ते में सिर्फ 40 घंटे, एक दिन में ही होते हैं 24 घंटे, 2 दिन में भी हो जाते हैं 48 घंटे, लेकिन ये कौन सा टाइम है? जिस टाइम हमारा ऑफिस खुलता है। सबको समझ में आती है? तो ये हमारा टोटल टाइम था जो कि 2,000 घंटे का था। इसमें से अगर आप रिपेयर पे मशीन को डाल देते हैं तो हो सकता है आपका टाइम का लॉस हो जाए, क्योंकि जिस टाइम रिपेयर होगी उस समय आप सर्विस नहीं कर पाओगे कस्टमर की। तो अगर इसमें लिखा होता रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम है और हमारे प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, हम कहते हैं भैया निकालो इसे बाहर, ये भी अनप्रोडक्टिव हो गया। हमें सिर्फ वो वाला टाइम गिनना है जो कि प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होगा। और उसके बाद सेटिंग अप टाइम, सेटिंग अप टाइम क्या होता है, कई बार मशीनों को सेट करना पड़ता है, उसके बाद ही काम पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक मशीन सेट नहीं होगी तब तक आप काम कर नहीं सकते। इसका छोटा सा एग्जांपल, मैं कहता हूँ से आपको एक ईमेल करना है कंप्यूटर से, कंप्यूटर मेरा बंद है, इंटरनेट कनेक्शन भी अभी उसमें नहीं है, वायरिंग वगैरह जो है वो भी ओपन है, मैं कहता हूँ मुझे मेल करना है, तो आप क्या करोगे? बटन ऑन और मेल हो जाएगा क्या? आप अगर सारी चीज़ें सेट भी होंगी तब भी आप पीसी चलाओगे 2 मिनट तक तो वो अपना बूट होने में टाइम लगेगा, आप ऐसे इधर उधर देखते रहो, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, बिजली लग रही है उसमें? नहीं लग रही है। काम जीरो, जब तक वो पूरा बूट ना हो जाए इंटरनेट का, उसको कनेक्टिविटी ना मिल जाए, और पर इस पूरे इस काम में कहता हूँ 5 मिनट लग गए। तो 5 मिनट का टाइम सेटिंग अप टाइम था जो कि बिल्कुल अनप्रोडक्टिव है। तुम किसी ऑफिस में बैठ रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तुम्हारा बॉस आके डांटे भैया काम क्यों नहीं करता, बोला था मेल करने के लिए, तो आप क्या जवाब दोगे? सर क्या करूं मैं, बूट तो होने दो, उसके बाद ही होगा ना, जब तक ये होगा नहीं तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सेटिंग अप टाइम है और ये अनप्रोडक्टिव टाइम है, तो उसको बाहर निकाल देंगे हम। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा था क्या? लिखा था सेटिंग टाइम इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव, इसीलिए हमने इसे बाहर नहीं निकाला, वरना निकाल देते। सबको सही बात ये। तब हमारे पास खर्चे आ चुके हैं, ये खर्चा होगा एक साल में, और एक साल में 2,000 घंटे सिर्फ काम के। हम कहेंगे भैया पर आर रेट क्या पड़ेगा? पर आर रेट निकालने के लिए हम 22,730 को डिवाइड करेंगे 2,000 रुपये से, और अगर 22,730 को डिवाइड कर दें 2,000 से तो वैल्यू आएगी 11.365। ये कंसोलिडेट रेट है हमारे फिक्स एक्सपेंस का, ये कंसोलिडेट रेट है जो हमने फिक्स एक्सपेंस किए उनके लिए। अच्छा, वेरिएबल में इसका अभी तक नहीं आया। अच्छा, ये अगर ध्यान से देखो तो एक साल की तो फिगर है ना, ये डेफिनेशन कितने दिन का रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक साल में कितने घंटे काम होगा? 2,000 घंटे। तो अगर मैं इसको एक बार 2,000 से और एक्स्ट्रा डिवाइड कर दूं तो पर आवर शो नहीं करने लगेगा ये, तो मैं क्या करूंगा? 4,000 बन रहा था ये, और 4,000 को और 2,000 से डिवाइड कर दूं तो ये 2 रुपये आ जाएगा। 4,000 को अगर 2,000 से डिवाइड कितना आ जाएगा? 2 रुपये। और इसका 75% यहाँ पे आना था, तो इसका 75% में इतना कितना आ जाएगा? 1 रुपये 50 पैसे। तब मैं बोल सकता हूँ मेरा
मशीन आर रेट जो कि पर आर की फॉर्म में है वो कितना होगा, इन सबको ऐड कर लेते हैं, और इन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो फिगर हमारे पास हो जाएगी 18.47465 की, और यहाँ पे जाके हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।